हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर में एग्जाम में पूछा गया था। सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि नीचे हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लास इंटरवल दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, याद करना है दोस्तों मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूला याद है और स्टेप याद है तो बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में बस एक पॉइंट देखेंगे हम आपका, इसमें मोड। देखिए मोड मैं कहता हूँ कि आप तो क्या, आप एक ही पॉइंट निकालिए लेकिन उसको समझ जाइए, आसान से तरीके से समझेंगे। मोड हम निकालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मोड निकालेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सवाल निकलता है। दोस्तों अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल तो आपको आएगा ही, मीन मीडियन और मोड में से एक सवाल आएगा ही आएगा, और मोस्टली मीडियन आता है लेकिन मोड भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें मोड कैलकुलेशन करना है जब हमें इस तरीके से क्लास इंटरवल और हमें फ्रीक्वेंसी दिया हो, तब हम इसे कैसे मोड निकालेंगे, यानी कि बहुलक की गणना करेंगे। तो तैयार हैं आप सब, मैं आशा करता हूँ तैयार होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में दिया गया था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें एज इट इज ऐसे लिख, ऐसे कॉलम बना के लिख लेना है। अब जब क्लास इंटरवल वाला फॉर्मूला क्वेश्चन हो, इसमें आपको मोड निकालना हो, तो ये फॉर्मूले को याद रखिए, एल प्लस एफ वन माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो और एफ टू इंटू एच। आप कहोगे सर इतना सब कुछ क्या है, कुछ नहीं है बाबू, वन बाई वन हम देखेंगे। सबसे पहला आपको क्या करना है, एफ वन निकालना है। अब आप कहेंगे सर एफ वन है कौन, तो इस फ्रीक्वेंसी में, एफ का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा जो होगा, सबसे जो बड़ा होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा एफ वन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एफ वन, ठीक है। अब जब एफ वन हो जाएगा तो फिर उसके बाद कुछ नहीं, उसके ऊपर वाला एफ जीरो हो जाएगा, उसके नीचे वाला एफ टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, जीरो वन टू, जीरो वन टू, समझ में आ रहा है। वन कैसे निकाला आपने, जो सबसे बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब आइए तो इस सवाल में अगर आप, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक एफ वन है, एफ जीरो है, एफ वन है, एफ जीरो, एफ टू, इनकी समस्या ख़त्म हो गई। आपने एफ जीरो, एफ वन और एफ टू क्या कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब कहेंगे सर इसमें दो चीज़ें और दी हैं क्या, एक दिया है एल है, एक दूसरा है एच। अब एल और एच क्या होगा, तो जो आपने F1 निकाला इसके बिल्कुल सामने क्लास इंटरवल में आ जाइए, इसके बिल्कुल सामने वाले क्लास इंटरवल में आ जाइए। इसका जब सबसे जो लोअर टर्म होगा, इन दो 105 और 107 में सबसे छोटा कौन है, 105, तो इसका जो लोअर टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा L। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। और H क्या होगा, एच इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 105 और 107 के बीच में कितना गैप है, तो आप कहोगे सर दो का गैप है, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच की वैल्यू आप कहोगे सर दो की आ जाएगी। समझ में आ गया, सारा आपने नोट कर लिया, वन बाई वन इसको नोट कर लेते हैं। एच की वैल्यू टू दो आई, एल की वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू हमारी 105 आई, एफ वन की वैल्यू कितनी आई, एफ वन की वैल्यू 9 आई, एफ जीरो की वैल्यू कितनी आई, एफ जीरो की वैल्यू 5 आई, और एफ टू की वैल्यू कितनी आई, एफ टू की वैल्यू आपकी 6 आई। अब क्या है, कुछ नहीं बाबू, बच्चों का सवाल यहाँ पे बन जाए अगर आप ऐसे कर लेंगे तो। अब आइए हम यहाँ पे मोड एम का फॉर्मूला लिख के इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। यही तो है सवाल में, कुछ है नहीं है। अब इसको ज़रा हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। मोड हमें निकालना है, L, L की जगह पे हम कितना लिख देंगे, L की जगह पे हम लिख देंगे 105 प्लस F1 कितना है 9 माइनस 5 F0 5 डिवाइडेड बाई 2 F1 2 इंटू 9। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बाबू, F0 की वैल्यू कितनी है 5 और हमारी F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 6 है इन एच से, और एच की हमारी वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है हमारे पास कितना है, एच की वैल्यू 2। चलिए 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 5 माइनस 6 इंटू 2 105 प्लस 4। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 5 का माइनस 6 का माइनस 11 हो जाएगा, 18 में से 11 गया ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2।
ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 105 प्लस 42 जाए 8 डिवाइडेड बाई 7। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम 7 ले लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो येगा 7535 के 5 कैरी 3 73 73 प्लस 8, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपकी वैल्यू आ जाएगी 743 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप पॉइंट भी लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मोड। चलिए मोड हम अगर पॉइंट में लिखना चाहें तो हम इसको पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक है, पॉइंट में हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो क्या नंबर आया था, 743/7, सेवन बन जाए 7, ठीक है, जीरो उतार लेंगे 40 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 6 42 दशमलव 10 हो जाएगा, 7 1 7 30 हो जाएगा, 7 4 28 106.4 106.14 आपका क्या हो जाएगा मोड की मैं ये वाला हमारा क्या आंसर है। कोई समस्या थी बाबू इसमें, कोई समस्या नहीं थी ना, यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि मोड निकालिए, और आपको बस करना क्या है, आपको बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ा होगा वो F1 हो जाएगा, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2, उसके सामने वाला L निकल जाएगा, इन दोनों के बीच में गैप H निकल जाएगा, बाकी कुछ नहीं, वैल्यू रखिए और आसान से सवाल को हल कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा सिंपल तरीका सा, आसान से समझ में आ गया होगा मोड। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इसकी मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों कि 50 का 3 किलो आलू और 50 का 3 किलो प्याज आपके यहाँ क्या भाव चल रहा है, चलो यहाँ पे कोई अच्छी बात है, 50 का 3 किलो आलू, 50 का 3 किलो प्याज, 50 का 3 किलो चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके मीन या मीडियन को, और हम और भी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे गए उन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आलू प्याज 50 का 3 किलो मिल रहा है, सस्ता हो गया है, जाइए आप मंडी से लेके आइए, कमेंट में भाव बता दीजिएगा कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, ठीक है। और होमवर्क वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा, होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आप ये भी बता सकते हैं कि कैसा लग रहा हूँ मैं, मुझे खुशी होगी। चलो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्स अच्छे से होगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों।